प्रथम आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और 26 मई को एक प्रोग्राम किया था जीटीवी ने, उसमें मैं उपस्थित नहीं थी क्योंकि मैं गई थी कैराना। वहाँ पे काफ़ी प्रचार हम लोगों ने किया, हम चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बने, इसलिए मैं वहाँ गई हुई थी, मैं नहीं आ सकी। मुझे पता लगा कि प्रोग्राम बड़ा अच्छा था। मैं अर्चना गौतम और सोशल वर्क करती हूँ, पूरे देश भर में जाती हूँ। आज जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके संदर्भ में मैं ये कहूँगी कि जितने भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC ST OBC या माइनॉरिटी के लिए दिए जाते हैं, उनके उनकी बढ़ोतरी के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर दे देते हैं लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद में वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं होते, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि अभी GTV में बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब और बता रहे थे कि आरक्षण का जो प्रमोशन में एक्ट जो था वो लागू कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया लेकिन DOPP में उसे रोक दिया गया, अभी तक वो लागू नहीं किया गया। और ऐसे एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे कि अभी आपको फिलहाल पता लगा होगा कि SC ST एक्ट जो 1989 एक्ट जो है वो भी बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है। हमने उसके लिए भी काफ़ी आंदोलन किए थे 2 अप्रैल को, लेकिन वो उस संदर्भ में हमें आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से कि नहीं, उसको पूर्व जैसे पहले था उसी प्रकार कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हमारा आरक्षण जो है वो भी निष्क्रिय करीब है क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों का ये मानसिकता है कि हम हर चीज़ जो भी जिन तरीक़ों से ये SC ST OBC के लोग आगे बढ़ते हैं उनको ऐसा कर देंगे, निष्प्रभावी कर देंगे कि वो एक्ट ख़त्म भी नहीं होंगे। वो जैसे आरक्षण है वो लागू नहीं, पूरा लागू तो है नहीं, लेकिन आरक्षण होने के बावजूद हमारे लोगों को उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैडम, अभी आपने आरक्षण की बात के लिए और रविशंकर जो कानून मंत्री हैं जी, वो संविधान को दिखा रहे हैं और उसमें देख ये दिखा रहे हैं कि इसमें अर्जुन का रोल था, इसमें उस भगवान का रोल था, उस संबंध में छोटा सी अपनी टिप्पणी रखते हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश का जो संविधान है जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, वो संविधान संसार का सबसे बेहतरीन संविधान है। संसार के कई देश ऐसा चाहते हैं कि हमें भी इसी प्रकार का संविधान अपने देश में चाहिए। जब इतना बढ़िया संविधान है और उसको इन्होंने पूरा लागू ही नहीं किया पहले और ये उसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये कानून मंत्री जो नया संविधान बना रहे हैं, क्या हम इस देश में क्या वो कृष्ण नीति या रामराज्य लाने की ज़रूरत है? क्या वो इतनी अच्छी नीति थी तो वो बदलनी क्यों पड़ी? इसलिए हमें यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि इतनी आसान बात नहीं है इस देश का संविधान बदल देना। हम इतने भोले वाले नहीं हैं, पढ़े लिखे हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, हमारा जो समाज है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हम इतने निखले या भोले लोग नहीं हैं। अगर हमारी संविधान से आँच आती है तो हम उसका विरोध पूरे जोर से करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे जितने भी संगठन हैं हम सब संगठनों को इकट्ठा करके सबके साथ मिलके हम इनका विरोध करेंगे और इन्हें अपना संविधान कभी बदलने नहीं दे सकते। जी गुप्ता जी, लास्ट चलते थे, आखिरी सवाल मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहूँगा। अभी जैसे कि आपने बैकलॉग की बात की, बैकलॉग सीटें अभी तक नहीं फिल हुई हैं, मेरी जानकारी में जैसे राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन हो, गृह मंत्रालय हो या इसके अलावा प्रशासनिक जितने भी बड़े बड़े चाहे वो योजना आयोग हो या कोई भी हो, आज तक बैकलॉग वहाँ पे कहीं फिल नहीं किया गया। तो क्या ऐसी ऐसी एसोसिएशन में चाहे वो आकाशवाणी भवन हो, दूरदर्शन हो, GTV हॉस्पिटल हो, एम्स हॉस्पिटल हो, इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, क्या आपकी जानकारी में कुछ एसोसिएशन ऐसी है जो उस बैकलॉग के लिए आंदोलन कर रहे हैं? इस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैकलॉग के लिए सारी एसोसिएशन अपने अपने डिपार्टमेंटों में आंदोलन कर रही हैं और आज की डेट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें बैकलॉग नहीं है, सब में बैकलॉग भरा पड़ा है और उस बैकलॉग को बैकलॉग की पोस्टों पर जो आउटसोर्सिंग से ये भर्ती कर रहे हैं तो उस बैकलॉग को इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से ये भर्ती करते जा रहे हैं और हमारी एसोसिएशन उसके लिए पहल कर रही है। और यहाँ तक जब पहल करती हैं तो वो एसोसिएशनों को भी कहते हैं कि भाई तो आपकी SC ST एसोसिएशन है, आपकी एसोसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती और उसके माध्यम से वो तंग करते हैं, जबकि
कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें बैकलॉग पूरा ना हो, सभी डिपार्टमेंटों में पूरा है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग जो हमारे साथ आर्टिकल 315 में जो आयोग बना, आर्टिकल 315 के अनुसार आयोग की प्रस्तावना हुई और आयोग बना, उस आयोग से हमें इतनी उम्मीदें थी कि SC ST के जो वेलफेयर की बात है आयोग पूरी करेगा। लेकिन और उसमें आर्टिकल 323 में यह भी बताया गया है कि वो आयोग सालाना राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आयोग भी, हम तो उसको सफ़ेद हाथी के बराबरी कहेंगे कि वो सफ़ेद हाथी बन के रह गया है, वहाँ भी हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, वहाँ भी धक्के खाते रहते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि एक एक मीटिंग अगर हो जाती है आयोग में, वो 5-5, 6-6 महीने उसके मिनट्स नहीं बनते। अब ये बताइए, जब 5-6 महीने मिनट्स नहीं बनेंगे, और जो डिपार्टमेंट का आदमी जिसके खिलाफ एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी है या एम्प्लॉयज ने लड़ाई लड़ी है, वो अधिकारी जो आला अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, वो उस पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसको डिप्रेशन में लाने की स्थिति में पैदा कर देते हैं। और आयोग उसके लिए चुपचाप बैठा रहता है और कहता है हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम आपको दिलवाएंगे, हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं। पर रिकमेंडेशन क्यों देते हो? आपको आर्टिकल 338 में पूरे प्रावधान है, आप उनको SC ST Act जो इस तरीके से जो आप डायलूट किया, मुझे तो लगता है डायलूट भी इसीलिए किया था कि ये लोग, जैसे आज हम मैं किसी अधिकारी की कंप्लेंट करता हूँ तो मैं हायर ऑफिसर से उसकी परमिशन लूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि हायर ऑफिसर उस अधिकारी को, अधिकारी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगाने के लिए मुझे परमिशन देगा। या कोई देहात में मेरे साथ कोई देहात का मेरा कोई भाई भतीजा या कोई और भी मेरा रिश्तेदार हो सकता है, वो उसके साथ कोई जुर्म जाती होती है, तो मुझे नहीं लगता कि DSP उसको परमिशन देगा कि भाई इसकी FIR लिखो। तो ये जो डाइल्यूट किया गया है, ये हमारे साथ खुलेआम अत्याचार है, और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ तक संघर्ष ही नहीं, हम AC में बैठ के और टेबल पर बैठ के अपनी बात नहीं करेंगे, हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। और आर्टिकल 19 में ये बाबा साहब ने हमें प्रावधान दिया है कि हम अपना एजिटेशन कर सकते हैं अगर हमारे साथ अत्याचार या वो हो रहा है, तो उस अन्याय और अत्याचार के लिए हम आर्टिकल 19 के अनुसार हम अपना रोष प्रकट कर सकते हैं जिससे कि हमें न्याय मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।